खरगोन जिले में परिवहन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम ने अधिकारी का पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया है। आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी बरखा गौड़ ने खरगोन जिले के परिवहन विभाग में पदभार ग्रहण किया था, लिहाजा जिला प्रशासन को उक्त अधिकारी के नजारत रहने की सूचना बार बार मिली थी। इस पर एसडीएम ने परिवहन विभाग का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने मौका पंचनामा बनाकर मामले की विवेचना करते हुए उचित कार्यवाही की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आप बता दीजिए किनकी चल रही है, मैं देखूं। मैडम, एसपी साहब है, ये प्राइवेट पासिंग गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं क्या? खरगोन में टैक्सी पासिंग गाड़ियों की कमी हो चुकी है क्या? अधिकतर विभागों में बिना टैक्सी पासिंग की गाड़ी अटैच है, इस पर अभी तक आरटीओ ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? हमारे पास स्टाफ होगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज इन लोग को इंदौर से बुलाया है, अभी अब जाते हैं हम लोग उसको देख लेंगे। एसपी साहब के पास गाड़ी चल रही है, आपकी सीएचओ मैडम के पास चल रही है, वरिष्ठ अधिकारी के पास ऐसी गाड़ी प्राइवेट पासिंग गाड़ी चलेगी? जो नियम जिनको नियम बनाने के लिए भेजा है प्रशासन ने, वही नियम तोड़ेंगे तो फिर कैसे चल पाएगा? कैसे नियम? प्राइवेट पासिंग गाड़ी अनुबंध आपको बोल रही हूँ ना कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, स्टाफ आ जाया है, मैं ले जाकर उनको देख रही हूँ। आज कार्रवाई होगी इनके ऊपर? लगभग लगभग मध्य प्रदेश शासन गाड़ियों के ऊपर जो एक लगा के घूम रहे हैं, जो आपने मेरे को एक दो बताए हैं, कम से कम उनको तो देखूं जाकर। तब तक कल जिम साहब भी आए थे यहाँ पर, किसलिए आए थे? मैडम 3-4 रोज से आए नहीं थे, इसके कारण हो गया था कोई पंचनामा होना बना के गए। हाँ, वो मैडम वही गया। नहीं, एसडीएम साहब ने क्या कार्रवाई करी कल मैडम नीचे तो? हाँ, उन्होंने कार्रवाई करी, कोई पंचनामा बनाया है? हाँ बनाया, लेट हो गए थे 2-3 रोज से। क्या नाम है आपका? ठक्कर। अब जैसा हमारी कलेक्टर महोदय को निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ की जो आरटीओ हैं श्रीमती बरखा गौर, वो कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहती हैं, उनका इंदौर से आना जाना रहता है, उसी की जांच के लिए हम लोग गए थे। तो कल गए तो मुझे जानकारी मिली कि जो उनकी संभागीय कार्यालय है उसमें ड्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बैठक रखी, उस बैठक में गई थी और सैटरडे को भी उन्होंने काम किया था, बाकी फ्राइडे को वो नहीं थी। और स्टाफ ने बताया कि वो आना जाना करती हैं, इस आशय का रिपोर्ट हमने मैडम को, कलेक्टर मैडम को दिया है। जिससे कि पता भी चला है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तारीखें मिल जाती है कि आज आप आ जाओ, आपकी साइन हो जाएगी, आपका लाइसेंस मिल जाएगा, ये बहुत से लोग इसे परेशान भी होते हैं। जाहिर है कि कलेक्टर मैडम को ये शिकायत मिल रही थी और पब्लिक की जो शिकायतें मिलती हैं तो फिर उसके बाद ही मेरे को उन्होंने बोला कि आप जाके देखें कि वो नियमित रूप से ऑफिस में बैठ रही है कि नहीं। तो इसी आशय का कल हमने पंचनामा बनाया था जो कलेक्टर मैडम को हमने पुट अप कर दिया। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है सर? अब इसमें जो भी हमने दिया है, अब कलेक्टर मैडम को उसमें निर्णय लेना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।